दोस्तों, पैरासीटामोल टैबलेट 650 mg ये वीडियो टाइम आमी देखा छी। दोस्तों, ये पैरासीटामोल 650 mg यूज करने का एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ये तरीका आपने ध्यान देने का, पैरासीटामोल टैबलेट 650 mg तभी यूज करना जब आपको बॉडी टेम्परेचर 100 से ऊपर होगा, बॉडी एक होगा, ज्वाइंट पेन होगा और क्रोनिक फीवर होगा। कभी आपको फीवर होता है और फीवर फिर डाउन हो जाता है, अपने आप फिर राइज हो जाता है। तो ये पैरासीटामोल आपको स्पेशली यूज करना, अदरवाइज आप नॉर्मली जो 500 mg वो यूज करना है। स्पेशली पैरासीटामोल 650 mg जैसे कोरोना रिएक्शन फीवर, कोरोना एक्शन फीवर और जो कोई भी स्पेसिफिक फीवर, उसी के लिए ये पैरासीटामोल 650 mg यूज करना चाहिए। और स्पेशली 100 से ऊपर होगा तब जाके 100 डिग्री फरनहीट टेम्परेचर आप फेवर मेजर करना है, जो थर्मोमीटर फरनहाइट डिग्री से आपने मेजरमेंट करना है। मान लो 100 से ऊपर होगा तभी वो फेवर को रिड्यूस करने के लिए अपने ये 650 mg टेबलेट तभी आप लेना है। 650 mg टेबलेट और भी इसका एंटीपायरेटिक एक्शन है, जो कि ये 600 आपको पेन रिलीफ एंड हमारा इंडिया में जो एक नया फेवर आया था, जिसको फेवर अभी भी चल रहा है, उसका नाम है चिकुनगुनिया। उस फेवर के लिए भी ये पैरासीटामोल आपने यूज कर सकते हैं, तभी जाके आपको फीवर रिड्यूस होगा। और मलेरिया और टाइफाइड फीवर के लिए भी ये आजकल यूज हो रहा है, तभी जाके वो आपको रेसिस्टेंस हो जाता है। 500 mg टेबलेट खाने का बावजूद ये फीवर डाउन नहीं होता है, तब जाके आपने ये 650 mg टेबलेट यूज करना है। और सडनली नॉर्मली ये यूज नहीं कर सकता, और करने से आपको होगा लेकिन इसका साइड इफेक्ट हो सकता है नॉर्मली। तो 650 mg यूजुअली नहीं यूज करना, जो 500 mg अवेलेबल मिल जाता है उसको करना है स्पेसिफिक। अगर कोई कारण बस अगर आपको फीवर डाउन नहीं हो रहा है, कोई कोरोना एक्शन सस्पेक्टेड हो रहा है, तब जाके आप ये 650 mg टेबलेट आपने यूज कर सकता है, जब 100 का ऊपर होगा। जो दोस्तों, मैं ये वीडियो का साथ आपको डिटेल लिख के देता हूँ, इंडिकेशन और इंस्ट्रक्शन आपने मैं लिख के देता हूँ। ये लिखना इंडिकेशन बहुत ही जरूरी, फॉलो करना मैं दे देंगे, आप ये पढ़ना है और जाके सही डायग्नोसिस सही टाइम पे ये टेबलेट यूज करना है, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मैं दोबारा आपको और मेरे से बात करने के लिए आपको नंबर मिलेगा मोबाइल नंबर से, और कमेंट करके भी मेरे से बात कर सकता है। धन्यवाद।